जय हिंद, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं समीर यदुवंशी एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो भाई, ये वीडियो है भाई सीमा हैदर का। सॉरी लेट होने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा चल रहा, वैसे फॉरगेट इट। बात करते हैं भाई मेन टॉपिक पे कि जो पाकिस्तान में आजकल क्या कह रहे हैं, सीमा या हैदर लॉ एजेंट है। सीमा हैदर लॉ एजेंट है और जो उसका हस्बैंड है वो पाकिस्तानी नहीं है, सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है। ये रॉ ने मैनिपुलेशन कर रखी है और इसको सपोर्ट कर रही है सनम जात। वैसे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्यार तो दिखता ही है यार, कभी जैसे शोएब चौधरी का भी दिख जाता है आतंकी प्रेम, और सनम जात का भी दिखता है, कहीं ना कहीं इसमें दिखता नजर आएगा इस वीडियो के अंदर। तो भाई बिना देरी करे, ये वीडियो थोड़ी होने वाली है लंबी, तो उसके लिए पहले माफी मांगना चाहूंगा। तो हाँ भाई, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम वीडियो को। हाँ, वीडियो पूरा देखें, मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम उतारेंगे सनम जात की जो फेस पे होता है ना इनका दूसरे का ये मेकअप, वो तो क्या जाते सारे के सारे वो। तो चलो भाई करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। जी वालेकुम साहब। सर आपका नाम? रिजवान जी। क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी। सही। अच्छा सर, आपको सीमा हैदर की पूरी स्टोरी पता होगी, आजकल बहुत सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, जबकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए सारा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखें जी, वो एजेंट वगैरह तो कोई नहीं है, वो सिर्फ एक बेवकूफ़ खातून है जो एक लड़के की बातों में आके तो यहाँ से चली गई है। उसने अपना घर भी बर्बाद किया, अपना मुस्तकबिल भी ख़राब कर लिया, हत्ता कि उसने आखिरत तक ख़राब कर ली है। तो ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है या हमारे घरों में जो बच्चियों को बच्चों को पूछने वाला नहीं है, तो सिर्फ हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। वो एक नामाकूल औरत है जो यहाँ से बच्चों को भी ले गई है, तो उसको तो वहाँ पे भी वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इधर पाकिस्तान को भी उस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। सर, उसके पास से 3 ID कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। वो कह रही है कि ये ID कार्ड एक मेरे बाप का है, एक मेरे भाई का है और एक शायद उसका अपना है, ठीक है। और उसके पास 4 से 5 मोबाइल फ़ोन भी निकले हैं, जिसकी वजह से उसको मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ उसका जो भाई है वो आर्मी से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से मोस्टली इंडियंस का यही कहना है कि ये ISI की एजेंट है। नहीं जी, देखें, वो चीज़ें तो बरामद इंडिया वालों ने खुद ही की हैं ना। अब वो तो उसको चाहे जो मर्जी बना दें, वो उसको एजेंट बना दें IS पे, उनको तो वैसे ही ISI फोबिया, आपको पता है। अच्छा। वहाँ पे तो कोई जानवर भी मर जाए तो वो ISI पे डाल देते हैं, क्योंकि वो फिल्मों में तो अपना खुद को बड़ा दिखाते हैं जी, मोटिवेटेड और इस तरह, लेकिन हकीकत में वो एक बेकार उनकी फार्मी है। तो वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे और इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं ISI पे। सर, पाकिस्तान की सब बड़ी बदनामी हो रही है, आपने देखा होगा किस तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया इस स्टोरी को कवर कर रहा है। उसके शोहर को सऊदीया से, उसको इंडिया से और उसके बच्चों को लाइन पर ले रहा है और वो ये कह रही है कि मुझे इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। हाँ, तो वो ठीक कह रही है जी, उसने काम ही ऐसा किया है। अब ये तो एक उसकी बेगैरती है ना, जो वो वहाँ पे गई है उसको पता है कि वापस वो नहीं आ सकती और उसको जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए, ये तो लाजमी चीज़ है ना। सर, जब वो दीन इस्लाम से ही खारिज हो चुकी है, हिंदू धर्म अपना चुकी है, तो फिर हम किस तरह उसको इस्लामी रसूमात या इस्लामी मज़हब के मुताबिक सज़ा दे सकते हैं? अब तो जो डिसाइड करेगा इंडिया का, मेरा ख्याल है कानून और इंडिया का धर्म डिसाइड करेगा, क्योंकि एक तो ना वो हमारे मज़हब में नहीं है और ना वो पाकिस्तानी रही, और वो कह रही कि मैं तो इंडियन हूँ, इंडियन शहरी हूँ, तो इंडिया की सरकार जो है वो मुझे इंडियन सिटीजनशिप। अच्छा भाई, अब एक चीज़ इसमें देखो, अब इन्हीं के मुँह से ना इनके दोगलापंथी कैसे निकलती है, लेकिन कोई गौर नहीं करता, इनको देखने वाला कोई गौर नहीं करता। पहली बात, पाकिस्तान की इज्जत कौन सी है जो बदनाम करेगा वह इंडिया, नंबर एक। और ISI कौन सी बड़ी टॉप है? ISI का एक एग्जांपल दूं, ISI को ये तक नहीं पता था, इनका याद होगा आपको न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप उन्होंने, वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, इंटरनेशनल सीरीज हो रही थी कोई, एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, मतलब 2-3 घंटे पहले सीरीज स्टार्ट, मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले मना करके चले गए थे वापस। इनकी थू हुई थी इतनी गंदी वाली, उसका इल्ज़ाम पता है किसको दिया था? एक वो बंदा देखा था जिसने वो एक रैप करा था, आज आंटी आऊँ क्या घंटी के मजाऊँ, क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका,
मैं लिंक लगाऊंगा उसका, उस बंदे का, उस बंदे को इन्होंने टारगेट करा कि भाई इस बंदे ने ये प्लानिंग करी है और ये इंडिया का बंदा है, ये महाराष्ट्र में रहता है, इनकी नंबर वन ISI ने वो उसको ढूंढा था, मतलब इनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी वो बंदा खुद आके उसने मीडिया पे आके सबको बयान दिया ये कि ये बंदा, उसकी फोटो तक दिखाई भाई साहब, उस बंदे की फोटो तक दिखाई, और इन लोग इन गधों को ये तक नहीं पता लगा कि वो एक नोन फेस हैगा कि जिसको सब जानते हैं इंडिया के अंदर, क्यों, उसके क्रिंज गानों की वजह से, उसके क्रिंज रैप की वजह से। द लिबरल हिंदू एक चैनल हैगा, उस पर जाके आप देखना इनकी जो हरकतें हैं ना इनकी, मतलब एक्सपोज कैसे होते हैं लोग। ISI कौन सा ISI का नाम है, कौन सा नाम है, तुम हनी ट्रैप में फंसाते हो, औकात तुम्हारी 10 पैसे की नहीं है, हैं, तुम इसराइल के बिजनेसमैन को मारते हो, औकात तुम्हारी 10 पैसे की नहीं, क्यों, तुम्हें पैसे मिले हुए, देखो कौन है, हमास वगैरह, और ये फुल्ली ट्रेंड बंदी है, सीमा जो, ये सीमा जो भी है, सीमा हैदर है, सीमा कुछ भी है, कुरैशी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, फुल्ली ट्रेंड बंदी है, जिसकी अब ये देख लो कि इस बंदी के जो सनामजद है, पैदाइशी यहीं की है, इसकी लैंग्वेज में कितने डिफरेंस है, और उस बंदी के लैंग्वेज में जरा सुनो कितना डिफरेंस है। मुझे बताइए कि अगर सरहद नहीं होती तो क्या होता, तो बहुत अच्छा होता। मैंने कायदे आजम को बहुत कहा, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा, वो हमारे कराची में है ना, उनकी जिना जी की मजार, तो मैं उनकी रोज एक बार गए हम वहां से गुजरे, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा, ना तुम ऐसा करते, ना मैं ऐसे भटकती इंडिया जाने के लिए, मैं बहुत भटकी हूँ सर, मैंने पुलिस से पता करा कि मुझे इंडिया जाना है, कहीं से मतलब एम्बेसी बता दो, कर पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि एम्बेसी की जरूरत पड़ेगी, जब मैंने निकली घर से इनके पास आने के लिए तो तब मुझे पता पड़ी, मैं सोचा ट्रेन ही जाएगी, वो सीधा इंडिया मुझे लेके जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ना वहाँ ट्रेन चलती है, बस चलती है, बस से बस बॉर्डर से आना पड़ता है, फिर पता पड़ी मुझे, पर वीजा मिला ही नहीं सर। कि आपको ये कहीं से भी लग रही है कि ये इंडियन नहीं है, कहीं से भी आपको लग रहा है ये इंडियन नहीं है, और बताया जा रहा है कि भाई साहब इसका जो पाकिस्तान का घर है उसमें दरवाजा तक नहीं है, इसका भाई आर्मी में भी था, वो पता नहीं हवलदार था क्या था, 2022 में उसकी भर्ती हुई थी और वो 23 में हवलदार भी बन गया था, ऐसा कुछ था भाई, उसमें भी कहते कि कुछ आर्मी में कुछ होता है, मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन इसमें कहते कुछ स्टेप्स होते हैं कि इतने जल्दी नहीं बनता बंदा, तो साफ साफ दिख रहा है ना, जिसके 5 फोन सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने, और उस बंदी के पास इतना पैसा था, पहले वो अपने 4 बच्चों को लेके मिडिल ईस्ट गई, मिडिल ईस्ट से नेपाल आई, नेपाल से फिर इंडिया आई अपने 4 बच्चों को लेके, मुझे तो ऐसा नहीं लगता इसके बच्चे भी हैं यार ये, अगर DNA टेस्ट करवाया तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से एक बच्चा भी इसका निकले, क्योंकि ये बंदी हाईली ट्रेंड है। और दूसरी बात सुनो यार, सोचो इस बंदी की हाइट, नयन नक्श देखो, और इसको देखो TV का मरीज किस एंगल से लगता है यार, वो प्यार अंधा होता है, इतना भी अंधा नहीं होता, और ये कोई करोड़पति बंदा भी नहीं है यार, सीधी बात है। और दूसरी बात देखो, ये नोएडा में प्लांटेड है, क्यों है, नोएडा के अंदर सारे जितने ज़्यादातर आर्मी वाले बंदे हैंगे वहाँ पे क्वार्टर्स मिले हुए उनको, रिटायर्ड हैंगे, जनरल विपिन रावत का भी घर वहीं पर है, मेजर गौरव वाले भी रहते हैं, कई बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे। अभी कुछ टाइम पहले G20 की मीटिंग जब हो रही थी तो एक लड़की वो भी ऐसी आई थी, पहले मिडिल ईस्ट गई, मिडिल ईस्ट से फिर नेपाल, नेपाल से फिर वहाँ गई, तो वो तो पकड़ी इसलिए गई क्योंकि वो पाकिस्तान बात कर रही थी, कोल्ड ड्रेस हो गई, इसलिए वो पकड़ी गई बंदी सीधी सीधी कि भाई क्या चक्कर है, पाकिस्तानी इतनी बात क्यों हो रही है, तो ट्रेस हो गई। उस बंदी ने भी शादी कर ली थी तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया, उसके माँ बाप के हवाले कर दिया बगावटर के थ्रू। अब बताता हूँ कि ये सनामजद की दोगलापंती क्या कह रही है कि वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से, वहाँ के धर्म के हिसाब से होगा। तो मैडम सुन लो, हमारे यहाँ पे धर्म के हिसाब से कभी भी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सारे धर्म समान है और सबको सज़ा उसी हिसाब से मिलेगी जिससे कानून बना हुआ है। इनके दिमाग में ये चीज़ घुसी पड़ी है, तो आप लोग इनसे भूल जाओ कि इनसे कोई प्यार प्रेम यारी दोस्ती चुम्मा चाटी कुछ कर सकते हो, नहीं हो सकता। प्रॉपरली हनी ट्रैप में करते हैं। अभी जो मुंबई वाले अंकल पकड़े गए थे जो RDIDO में थे, Agni 6 का, जिसका सारा तामझाम उठा के दे दिया था पाकिस्तानी को, हनी ट्रैप में फंस, ऐसे ये 4th-5th केस है ये। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से कहूँगा कि ये हमारा सबसे बड़ा लूप हॉल है, ऐसे इनके स्लीपर सेल्स काम कर। और क्या ज़रूरी नहीं है कि ये बंदी नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी करने आई हो, इतना टाइम तो लगता है भाई, क्योंकि शायद दिल्ली में भी होना है, कलकत्ता में भी होना है, तो वहाँ से दिल्ली और पास ही पड़ेगा ना, आपको इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं लग रही पूरी। और कैसे एक बंदी 4 बच्चों को लेके आ गई, सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है कि उसके अंदर वो सिंपैथी गेन करने के चक्कर में आई थी, क्योंकि बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ पे किसी पे कोई शक नहीं होता। अभी सिंपल सी बात है, वो अपने 4 बच्चों के साथ जा रही है और जिस हिसाब से वो बातचीत करती है, घंटा कोई फर्क नहीं बता सकता कि भाई साहब वो इंडियन नहीं है। आप नहीं बता सकते वो इंडियन नहीं है किसी भी एंगल से, ना उसके पहनने ओढ़ने के तरीके से, ना उसके बातचीत करने के तरीके से, क्योंकि प्रॉपरली वो हिंदी बोलते, उसको 4 लैंग्वेजेस पता हैं, वो 5वीं पास है। कमाल की बात है। तो भाइयों,
इन लोगों के चक्करों में ना पड़े, मैं तो यही कहूँगा। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन लोगों को देखने से हमारा ही घाटा होता है। ये जो हो रहा है ना, ये जब से YouTube चले हैं इसमें बातचीत होती है। हमारा एक भाई साहब तो फंसा हुआ था, उसके भाई साहब अच्छी खासी ग्रूमिंग, मतलब फंसा के उस बंदे को अपना चैनल पूरा ग्रो करवा लिया। सब कुछ उसने उसके लिए करा और कोई और नहीं, वो चिंकी मिंकी थी, वो दोनों दो बहनें और एक और आ गई, अब तो तीसरी भी आ गई है। बड़े शांत स्वभाव से बोलती है, हमें हिंदुइज्म बड़ा पसंद है, तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे आके फटना पसंद। और जब मैंने सीमा यादव पे पहली वीडियो बनाई थी, तब सब तो उसको बड़े पपियाँ शपियाँ दे रहे थे कि पाकिस्तान से भाग के आ गई प्यार के चक्कर में। कोई प्यार वाले के चक्कर में नहीं आई थी यार, इनकी सच्चाई ये है। तो आई एम सॉरी, वीडियो बड़ा होने वाला तो थोड़ा कम बोलूँगा मैं, वीडियो देखते हैं पहले। बिल्कुल ऐसी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इंडिया को उसे वापस करना चाहिए, क्योंकि वो उस लड़के के बहकावे में आके, अब हो सकता है वो लड़का ही रहा का एजेंट हो, ये सारी चीज़ प्लान की गई हो। अच्छा। उस लड़की को टारगेट किया गया हो पाकिस्तान को वो बदनाम करने के लिए, उसने उसको पहले नेपाल बुलाया है, नेपाल से फिर उसको वो लेके गया है, फिर वो खुद नेपाल आया है, फिर उसने उसको उधर रखा है। तो ये सारी मेकिंग भी तो हो सकती है ना राह की, ये सारा कुछ राह खुद करवाती है दुनिया में, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और उसकी क्या ब्रेन वॉशिंग उन्होंने की है। अब ये तो देखें, वो लड़की पाकिस्तान में हो तो वो बयान देगी ना, अभी तो वो वही बयान दे रही है जो राह उससे दिलवा रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही, हो सकता है वो जाना चाह रही हो, लेकिन उन्होंने उसे हाईलाइट किया है और उन्होंने उसको वही बयान है, वो राह की ज़ुबान बोल रही है। तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को किसी अच्छी आलमी अदालत में या उधर इसको केस को लेके जाना चाहिए, ताकि वो पता चले कि वो एक्चुअली है क्या, हो सकता है वो एजेंट ही राह की हो। और अगर ये स्टोरी इसके ऑपोजिट होती, अगर कोई इंडियन लड़की पाकिस्तानी लड़के के मोहब्बत में पाकिस्तान आती और हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लेती, तो आप इस स्टोरी को कैसे देखते? देखें जी, इस्लाम कबूल कर लेती तो वो राह रास्त पे होती, अच्छी तरफ होती, और अच्छाई को तो नहीं रोका जा सकता। वो आती मोस्ट वेलकम, हम उसे वेलकम करते, लेकिन एक इखलाकी तौर पे ये जो लड़कियां भाग रही हैं या भगा रहे हैं लड़के, ये ट्रेंड गलत है। ये चीज़ मोहब्बत के नाम पे, अब उसने अपने शौहर का भी बेड़ा गर्क किया, और हमें तो सबसे ज़्यादा दुखी है उन बच्चों का मुस्तकबिल, कि उन बच्चों को उसने मज़हब तक बदल दिया। तुमने जाना है तो बेशर्म औरत तुम खुद चली जाओ, तुम कम से कम बच्चों को तो ना लेके जाओ। उस बच्चों पे उसका क्या हक था? वो उसे पाकिस्तान में किसी के हवाले करके जाती, खुद तो चलो उसने जो हरकत की है सो की है, लेकिन ये गलत किया है कि वो बच्चों को भी ले गई है। तो अगर कोई इंडिया से भी आएगा किसी का दिल दुखा के आएगा, तो मेरे ख्याल में वो गलत है। सर, अब इनकी ना दोगलापंथी कितनी क्लियर दिखती है, कितनी क्लियर दिखती है। अभी एक ना हरियाणवी डांसर हैगा, शायद आप सब जानते होंगे उसको, हैंडसम सा बंदा है, मतलब मुझे उससे बड़ी अच्छी लगता है वो बंदा, डांसर हैगा। उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करी है, शायद राजस्थानी है, हरियाणा का है, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। दूसरी बात, उसे ही बस खाली हमें हाईलाइट करना था। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, बहुत चीज़ें इनकी जो G20 की जो मीटिंग होती है, जो केस मैंने आपको बताया, वो तक हाईलाइट नहीं हुआ था प्रॉपरली। और वो टीवी का मरीज, वो रॉक एंड है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि साला उसको सदमा लगा हुआ है, उसके मुंह पे जो टेप लग चुकी है, उसकी आवाज़ मैंने शायद आप सुनी होगी, उसके मुंह पे टेप लगी है भाई साहब, वो बंदा बोल नहीं रहा है, उसको थप्पड़ में तो शायद वो गिर जाएगा, मेरी तरह कमज़ोर है बंदा वो, तो वो राक का एजेंट है, और वो ISI की एजेंट नहीं हो सकती, हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी, वो ISI की एजेंट नहीं है। बच्चे इसलिए ही भेजे जाते हैं ताकि वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ अगर कोई लेडीज़ है ना, तो उसके ऊपर कोई शक नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है, और जिस तरीके से उसके बोल चालेंगे तो भाई साहब। और दूसरी बात, क्यों भाई इंडिया क्यों भेजेगा, क्यों भेजेगा इंडिया, पहले बताओ। वो सीधा जाएगी जेल, अगर वो जेल जाएगी तो उसको अलग बैरल में रखा जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगी, अगर जेल भी जाती है ना, ये वहाँ के कैदियों को जिहादी बनाएगी, जिसकी कम वो हैगी कि भाई साहब जिसका जिसको 2 साल में सूटना है, 1 साल में, 6 महीने में, उनके दिमाग में भरेगी, स्लीपर सेल बनाएगी, जा उससे कॉन्टैक्ट करियो, उससे करियो, तो ये उठाइयो, तो वो उठाइयो, और यहाँ वहाँ जाके फट जाना, That's it, nothing else. अगर ऐसा कुछ है तो पाकिस्तान पिछवाड़े में उंगली डाल के क्यों बैठा? शहबाज शरीफ कहाँ है तुम्हारा, कोई तुम्हारा आर्मी, कोई आर्मी चीफ कोई चू कर रहा है, हैं? वैसे तो साले बड़े फुदकते हैं सारे के सारे, बवासीर के मरीज, क्योंकि सारे के सारे पिछवाड़ों में उंगलियां डाल के बैठे हुए हैं। तुम्हारे नेता पेता सारे उछलते तो इतनी सी बात पे, ये इंडिया ने करवा दिया, हम इंडिया पे एटम बम मार देंगे पाव पाव भर के, कहाँ है वो सारे, उंगली कहाँ घुसी पड़ी है ये बता दो मेरे को, जाहिलो। कहते ना चोर पकड़ा जाता है ना, तो या तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है या फिर
चुप हो जाता है, और वो 100% अगर उसकी अच्छे से इंट्रोगेशन हो, बच्चों को उसके जो भी बच्चे आएंगे उनको बाल उसमें भेजा जाए जहाँ बच्चे बच्चे रखे जाते हैं, उनको प्यार से उनकी ग्रूमिंग करके उनसे पूछा जाए भाई बात क्या है, बात क्या है, इनका DNA टेस्ट होना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, और ये सीधी जेल में जानी चाहिए, बच्चे इसके साथ नहीं होने चाहिए। और ये जो सचिन है इसको भी अलग रखना चाहिए, इसकी फैमिली को भी रखना चाहिए पूरी सिक्योरिटी के बीच में, फिर इनसे पूछना चाहिए कहीं ना कहीं ये दबने। अरे तो मेरे को समझ में नहीं आता कि बहन चोद फैमिली बड़ी, तुम बड़े या देश बड़ा, मुझे तो समझ में नहीं आता। कल को कोई हादसा हो गया भोसड़ी वाला, तुम्हारी फैमिली का कोई रिश्तेदार ही मर जाए उसके अंदर, तुम्हारा दिल के करीब वाला जो तुमसे करीब हो, क्या कर लोगे तुम? क्योंकि यार साफ उसकी शक्ल से दिख रहा है यार बंदा दबा हुआ है वो। यार मुझे समझ में नहीं आता कि अगर चल ठीक है भाई तेरी फैमिली के ऊपर कुछ खतरा है, तेरे ऊपर खतरा है, तो कितने लोग तुम लोग खतरों में जाओगे? जब साला एक आतंकवादी को सिक्योरिटी मिल सकती है केरल में, तो एक नॉर्मल पीपल को क्यों नहीं मिल सकती? एक आम आदमी को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल सकती यार? अगर जिसके ऊपर इतना बड़ा खतरा है तो उसकी पूरी फैमिली के ऊपर है। ऐसा कौन सा भैंसो तेरा राज छुपा दिया उसने बता रखा हुआ है? भौंक दे अकेले में इंटरोगेशन, भौंक दे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जब एक टेररिस्ट को मिल सकती है Z+ सिक्योरिटी, तो भाई तेरी फैमिली को क्यों नहीं मिल सकती? बोल दे। और चल मर भी गए, कितने मरेंगे यार? हमारे जवान शहीद नहीं होते क्या? वो अपनी फैमिली का इतना सोचते हैं क्या? ठीक है यार, सबको जान प्यारी होती है, उनको भी प्यारी होती है, उनको भी अपनी फैमिली प्यारी होती है, लेकिन पहले हमें समझते हैं वो कि हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो। अगर इसकी लापरवाही की, कुछ बंदों की वजह से, लापरवाही से अगर 4 बंदों की लापरवाही से 100-200 बंदों की जान जाती है, तो वो गलत है, वो भोग देना चाहिए उसको। बाकी भाई सिक्योरिटी तो इंडियन गवर्नमेंट तो देगी। तो भाई आगे देखते हैं भाई साहब को, वीडियो हो रही है मेरी लंबी, क्या देखते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियंस कह रहे हैं ये ISI की एजेंट है, पाकिस्तानी कह रहे हैं ये रॉ की एजेंट है, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी गेम खेली गई है। इस मज़हब को भी शामिल किया गया, लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं, लोगों के ऐसा साथ मजरू किए गए। तो आपको क्या लगता है कि अब इसका हल क्या निकलना चाहिए? देखें जी, इसका हल तो ये है, या तो कोई ऐसा एक गैर मतनाज़ा पार्टी उसकी तहकीकात करे लड़की की, जो ना इंडिया से हो ना पाकिस्तान से हो, तो वो तभी सच सामने आ सकता है जब कोई तीसरी पार्टी जो है उसकी चीज़ सुनेगी बात। अब तो रा उससे अपना बयान दिलवाएगी, या तो वो लड़की इंडिया पाकिस्तान वापस भेजे ना, तो हम फिर उससे तहकीक करें, अदारे हमारे तहकीक करेंगे कि क्या वो रा की ही तो नहीं थी। अब रा ने देखें बहुत सारा नेटवर्क पाकिस्तान में फैलाया हुआ है, अपने बहुत सारे बंदे, खवातीन, लेडीज़, जेंट्स इधर डाले हुए हैं जो उनके साथ रा के साथ रबते में होते हैं। तो रा ने हो सकता है ये सारा प्लान किया हो। तो अब इस तरह तो सूरत हाल कभी सच सामने नहीं आ सकेगा कि इंडिया खुद ही उससे कहलवा रहा है, खुद ही सारा कुछ करवा रहा है, और वो बयान जो है वो उसका फोर्सली नहीं है, ये हम किस तरह इस पर यकीन करेंगे? तो इसका यही हाल है कि कोई ऐसी तहकीकी इदारा जो है या अक़वामे मुत्तहिदा के उसको पास डालें उसको, या कोई ऐसी न्यूट्रल जो एजेंसी है वो उसकी तहकीकात करे, तो फिर बात। अच्छा, दूसरा इदारा, तुम उन लोगों की बात मानोगे? तुम तो कहोगे अरे ये तो उसकी लॉबी आएगी, इंडिया की लॉबी आएगी। तुम तो फट से चुनचुने काटने लग जाते हैं, चुने उन्हें काटते हैं तुम्हें, तो तुम्हारे तो पिछवाड़े में चुनने काटने लग जाते हैं। और चलो ठीक है भाई, तुम ये कह रहे हो कि उसको पाकिस्तान भेजने जाना चाहिए, यहाँ की एजेंसी है उससे कार्रवाई करेंगी। भूषण जाधव हाँ, उसको भेजोगे इंडिया? हम तहकीकात करेंगे ना कि वो रॉ का एजेंट है कि नहीं है, भेजोगे? बता दो भाई, जिसको तुम ईरान से किडनैप करके लेके आए थे, वो पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया था, तुम उसको ईरान से किडनैप करके लेके आए थे भाई साहब। ये तो प्रॉपरली खुद कह रही है कि हाँ भाई मैं नेपाल से इलीगली आई हूँ इंडिया के अंदर, भेज दो, इसको भेज देते हैं हम, क्या कहते हो? बोलती बंद हो जाती है ना ऐसी चीज़ों पे। और तुम लोग किसकी मानते हो? तुम तो फट से बोल दोगे नहीं 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 भाई ये तो गलत है, ये तो इंडियन लॉबी है। फट से तुम्हारे पिछवाड़े पे ऐसा लगता है कि साला जलता वो चूना डाल दिया हमने पिछवाड़े पर, है चाहे तुम्हारे लिए कोई भी हो, घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम हमेशा करोगे इंडियन लॉबी है, रा ने करवाया है, ये मोदी कर रहा है। क्यों इस टाइम बैठे हुए तुम्हारे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तुम्हारा खान साहब कहाँ है? सबके सब, किसी का साला कहीं बयान नहीं दिख रहा कुछ भी, ना कोई एक ट्वीट दिख रहा किसी का। बड़ा ट्वीट ट्वीट खेलते हो ना, तुम्हारी जंगे ट्वीट पे होती हैं, तो ट्वीट ट्वीट खेलते हो तुम बस खाली। कहाँ है ना तुम्हारा आसिफ मुनीर दिख रहा है इस टाइम, कहाँ है? बड़ा करते हो तुम लोग। तो भाई दूसरी बात, सना मस्जिद की देख लो, इसका फट से इसका दोगलापन नजर आता है कि वहाँ की अदालतें, वहाँ का कानून या वहाँ के जो धर्म के लोग हैं वो करेंगे। मैडम ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे धर्म धर्म विशेष कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ कोई धर्म तय नहीं करता कि क्या सजा दी जाए उसको, समझ गया है? तो ये अपनी ध्यान में तुम्हारे भी है, लेकिन मुँह से निकल जाती है गलतियाँ, हैं क्या करें।
ये तुम लोगों को जो दिल की बातें मुंह पे आ जाती हैं, और हमारे यहाँ के भारतीय तो भाई साहब, इनको जवाब दो, इनको देख के नहीं, इनको वीडियो बना के जवाब दो, इनको सब्सक्राइब करके या लाइक करके नहीं, ना कमेंट करके दो, इनको दो वीडियो प्रॉपरली बना के, इतने चैनल्स बना दो यहाँ पे, इतने बना दो कि मैं कहता हूँ हर एक बंदा चैनल बना के इनको जो भी हो ना एक बात के हज़ार जवाब दे, क्योंकि हर किसी के पास अलग जवाब होता है और बिल्कुल सही जवाब होता है। इन लोगों का ना ये चूम ही नहीं निकल सकती फिर। तो भाई आप सबसे अलविदा लेता हूँ इस पार्ट के लिए, मैं अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इससे ज़्यादा लेता हूँ। मिलता हूँ आप सबको दूसरे पार्ट में इसके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।